चलिए तो आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में जो बच्चे चैनल पे नए हैं मेरे भाई सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सैनिक स्कूल गुरु ऐप पे दो का कोर्स स्टार्ट है वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं प्ले स्टोर से आप सैनिक स्कूल गुरु की ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और ऊपर आपको दो का बैच यहाँ पे आपको दो का बैच दिखेगा ठीक है यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं इसकी फीस जो मेरे भाई है वो उन्तीस सौ पचास रुपए है ठीक है और ये पूरे कोर्स की फीस है ठीक ना ये कोर्स जो है आपका एग्जाम तक के लिए चलेगा यानी जब तक इसका एग्जाम होगा तब तक आप इस पर कंटिन्यू कर पाएंगे चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया पहला क्वेश्चन आ गया मेरे भाई कह रहा है कि विच ऑप्शन शोज फ्रैक्शन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है तो मेरे भाई जब भी आपको चेक करना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बढ़ते या घटते क्रम में है तो पे हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ता है देख मेरे भाई तो यहां ये ट्वेल्व है फोर है सिक्सटीन है, है तो सबसे पहले आपको यहां पे सारे नंबर को लिखने होंगे ठीक है तो पहला नंबर आपका आ गया फाइव अपॉन एट दूसरा नंबर आ गया सेवन अपॉन ट्वेल्व सात बटे में बारह थ्री अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर और ये आ गया थर्टीन अपॉन सिक्सटीन सबका एलसीएम निकालेंगे LCM जब निकालोगे ये 8 का, 12 का, का का और 16 का. 8, 12, 4, 16. कितना है है मेरे भाई? 48. इसका LCM जो आएगा मेरे भाई भाई इसका जो आएगा आएगा वो ठीक अब एट में क्या करेंगे फोर्टी एट को डिवाइड करेंगे एट से फोर्टी एट को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा छ बार जाएगा और छे में इस पांच से गुणा करोगे तो यहाँ पे तीस आएगा क्या जाएगा थर्टी इसी तरह आगे आप कंटिन्यू करेंगे देखो यहाँ पे ट्वेल्व में 48 को डिवाइड करोगे 12 से 48 को डिवाइड करोगे ये चार बार में जाएगा और चार में सात से गुणा करोगे तो ये 28 आ गया कितना आ गया 28 एट यहाँ पे देखिए चार को 48 में जब आप भाग देंगे तो यहाँ पे आपका 12 आएगा और 12 में थ्री से मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो ये 36 आ जाएगा क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स ट्वेंटी एट यहाँ पे सिक्सटीन से फोर्टी में डिवाइड करोगे तो थ्री बार में जाएगा कितने टाइम्स जाएगा थ्री टाइम्स और थर्टीन को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे बोलो कितना आएगा थर्टी 39 बहुत बढ़िया चलिए तो यहाँ पे आपके संख्याएं आ गई देखिए 30 28 36 39 48 48 नीचे LCM आपका आ गया 48. तो यहां से आप देख लेंगे कि इसमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है क्योंकि इसे बोला है असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटी संख्या जो है वो 28 है कौन सी है ट्वेंटी तो ट्वेंटी यानी ये जो है सेवन अपॉन ये एक नंबर पे आएगा सबसे पहले सात बटे में बारह देखो यहां पे ऑप्शन ए कैंसिल हो गया बी भी आपका कैंसिल हो गया ठीक है ये डी बी कैंसिल हो गया सी कैंसिल हो गया सात बटे में बारह ऑप्शन डी ऑप्शन डी अब देखो अट्ठाईस से बड़ा नंबर कौन सा है तो यहां पे तीस आपको दिखाई दे रहा है थर्टी यानी फाइव अपॉन एट तो इससे बड़ी संख्या है फाइव अपॉन एट इससे बड़ी संख्या कौन सी है फाइव अपॉन एट आगे देख मेरे भाई पे थर्टी से बड़ा थर्टी सिक्स है यानी थ्री अपॉन फोर तो तीन बटे में चार तीन बटे में चार और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है थर्टीन तो अपॉन क्रम होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा जल्दी से नोट कर लीजिए चलिए तो जिन बच्चों को सैनिक स्कूल मैथ के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक चाहिए देखो इस किताब में जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है और इसमें मैथ के क्वेश्चन दिए गए ठीक है थीके? इसमें इस किताब में आपको मैथ के क्वेश्चन दिए गए चैप्टर वाइज तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं ये किताब जो है वो फ्लिपकार्टे अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं ये किताब जो है मेरे भाई वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों के लिए काम आएगी क्लास सिक्स के लिए और इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और चेक कर लेंगे कि आपकी पोजिशन क्या है तो इसको परचेज करके आप मेहनत कर सकते हैं प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा इस किताब से करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन पे ये आ गया क्वेश्चन नंबर टू ये आ गया ये कह रहा है कि भाई एक रेक्टेंगुलर टैंक है रेक्टेंगुलर टैंक है जो पंद्रह सेंटीमीटर लॉन्ग है ट्वेल्व सेंटीमीटर वाइड है एट सेंटीमीटर हाई है ठीक है वाज कंप्लीटली फिल्ड वाटर पानी से भरा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द द वाटर इन टैंक एक आयताकार टैंक पंद्रह सेंटीमीटर लंबा है सेंटीमीटर चौड़ा है ठीक ना सॉरी बारह सेंटीमीटर चौड़ा है और आठ सेंटीमीटर ऊंचा है पानी से पूरा भरा हुआ है टैंक में भरे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए आयतन निकालना है मेरे भाई तो यहाँ पे ध्यान से देखिए टैंक किस तरह का है टैंक जो है वो क्यूबाइड में है जो टैंक है वो क्यूबाइड है क्यूबाइड का मतलब क्या होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो ठीक है इस टाइप का टैंक है और यहां पे ध्यान से देखो सबका मेजरमेंट मैं लिख दे रहा हूं ये आपका 15 सेंटीमीटर लॉन्ग 15 सेंटीमीटर लंबा 12 सेंटीमीटर चौड़ा और ये 8 सेंटीमीटर ऊंचा है 8 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसमें पूरा पानी से भरा हुआ है ये जो है ये मेरे भाई ये पूरा पानी से भरा हुआ है ठीक है तो आपसे पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या होता है मालूम आपको एल बोलो इन बी इंटू I. l into b into h यानी लेंथ ब्रेथ हाइट ठीक है तो यहां से आप इसका आयतन निकाल लेंगे तो ये आ गया आपका सारे देखो सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब तो ये हो गया आपका 15 into 12 into 8 तो 15 12 में गुणा करोगे 15 में 12 से गुणा करोगे कितना आएगा 180 बहुत बढ़िया 180 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1440 कितना आएगा 1440 इसका सही आंसर होगा 14, सेंटीमीटर क्यूब यानी ये इसका आयतन होगा सॉरी ये क्यूब है ठीक है जब भी हम आयतन निकालते हैं जब भी हम आयतन निकालते हैं तो आंसर किस में आता है क्यूब में आता है और क्षेत्रफल निकालोगे तो स्क्वायर में आएगा वर्ग आएगा ठीक है और आयतन निकालेंगे तो हिंदी में घन और इंग्लिश में क्या बोलेंगे क्यूब यहां पे देखिए ये सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर है, है तीनों इसके इकाई सेंटीमीटर में है इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब आएगा किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब अगर ये मीटर होता तो मीटर क्यूब में आता किसमें आता मीटर क्यूब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया कह रहा है कि रोमन संख्याओं में से कौन सी संख्या गलत है यहाँ पे चार नंबर दिए गए एक दो तीन और चार और आपसे कह रहा है कि कौन सी संख्या इनमें से गलत लिखी हुई है ठीक है तो देखिए ध्यान से यहां पे ये L X I है क्या है L X I तो L का मतलब होता है fifty L का मतलब क्या होता है fifty तो ये है fifty plus ten plus two तो इसका मान जो आ गया वो आ गया sixty two कितना आ गया sixty two कोई दिक्कत किसी को कोई समस्या आप देखो X C I तो C का मतलब होता है hundred C का मतलब क्या होता है hundred hundred minus एक्स यानी ये हो गया नब्बे और प्लस वन नाइनटी वन इसका आंसर कितना आ गया 91. ये 91 लिखा हुआ है ये 62 लिखा हुआ है अब यहां पे देख मेरे भाई ये एल सी दिया हुआ है सी का मतलब होता है हंड्रेड और इसमें से इसने माइनस कर दिया इसने क्या कर दिया माइनस पचास तो इसका आंसर आ गया पचास तो इससे बढ़िया है कि सीधे ये क्या लिख दिया रहता है एल लिख दिया रहता है पचास का मतलब क्या होता है एल तो ये एल और सी जो लिखा हुआ है ये गलत तरीके से लिखा हुआ है ऑप्शन सी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा डी क्या लिखा हुआ है बताइए देखिए एक्स एल आई वी एक्स एल आई वी तो यहां पे एल जो है ये एल का मतलब होता है फिफ्टी और ये एक्स जो है ये आपका लेफ्ट में है तो यहां से दस माइनस करोगे तो ये आ गया फोर्टी और यहां पे ये फोर दिया हुआ है राइट साइड में एल के राइट साइड में फोर तो इसमें फोर को एड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा फोर्टी फोर कितना आ जाएगा फोर्टी फोर तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी जो गलत तरीके से लिखा हुआ है एल सी बात समझ रहे हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया कह रहा है कि इट टेक्स जूली वन अपॉन टू आवर्स टू वॉश कम्ब हेयर कम्ब हर हेयर एंड पुट ऑन हर क्लाथ जूली जो है वो एक बटे दो घंटे का समय अपने कपड़े धोने के लिए बालों में कंघी करने के लिए और कपड़े पहनने के लिए लगता है इतना समय लगता है आधे घंटे का समय एक बटे दो घंटे का मतलब क्या होता है आधे घंटे ठीक है इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो एक बटे दो घंटे को अगर आप मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो मेरे भाई यहाँ पे सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो ये वन अपॉइंट टू इंटू सिक्सटी घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं सिक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया थर्टी मिनट कितना आ गया तीस मिनट का समय एक बटे दो घंटे का मान जो होगा एक बटे दो घंटे का मान जो होगा वो तीस मिनट के बराबर होगा कोई दिक्कत बात आप समझ रहे हैं तो एक बटे दो घंटे का मान कितना होता है तीस मिनट ठीक है तो ये जूली जो है वो एक बटे दो घंटे ठीक है वो अपने तीन काम करती है कपड़ा धोने के लिए बालों में कंघी करने के लिए और कपड़े पहनने के लिए लगता है अब कह रहा है कि एक बटे चार घंटे एक बटे चार घंटे एक बटे चार घंटे कितना मिनट आएगा बोलो कितना आएगा कितना आएगा पंद्रह मिनट बहुत बढ़िया देखिए तो एक बटे चार घंटे नाश्ता करने में लगाती है कितने घंटे लगाती है? एक बटे चार घंटे तो कह रहा है कि जूली को स्कूल जाने के लिए तैयार होने के लिए टोटल कितना समय लगता है तो मेरे भाई सिंपल जोड़ देंगे वन टू आवर प्लस वन अपॉन फोर आवर इसको टोटल कितने समय लगते हैं तो ये एलसीएम फोर आएगा एलसीएम कितना आएगा फोर यहां पे टू आएगा प्लस यहां पे वन आएगा टोटल तीन बटे चार घंटे कितने घंटे लगेंगे तीन बटे चार घंटे अगर आंसर मिनट में पूछता आंसर अगर मिनट में पूछता तो इसको क्या करते साठ से गुणा कर देते साठ से क्या कर देते गुणा कर देते सिक्सटी से गुणा करते तो ये आपका आता फोर्टी फाइव मिनट कितना मिनट आता फोर्टी फाइव मिनट पैंतालीस मिनट आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है तो तीन बटे चार घंटे तीन बटे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज टेन डिग्री दो पूरक कोणों के बीच का अंतर जो है वो दस डिग्री का है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जब दो एंगल का सम नाइन्टी डिग्री हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल जब दो कोणों का योग 180, 180 हो ठीक है तो यहाँ पे दो एंगल आपके दिए हुए हैं ध्यान से समझना ठीक है ना ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है और कह रहा है कि दोनों में दस का अंतर है दोनों में कितने का अंतर है दस का तो आपसे कह रहा है कि भाई दोनों कोणों कोणों का का मान मान ज्ञात ज्ञात करो, करो। दोनों करो। तो आप तो इसको डायरेक्ट आंसर से भी चेक कर सकते हैं देखो ये पचपन डिग्री है पैंतालीस डिग्री है तो जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा बोलिए पचपन में पैंतालीस ऐड करोगे कितना आएगा हाँ 100 डिग्री तो तो ये तो हो गया कैंसिल क्योंकि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग कितना कितना आता 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 है 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 90 डिग्री 90 तो ऑप्शन ए हो गया आपका कैंसिल 40 और 50 40 और 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा 90 आएगा और अंतर भी देखो 10 का है 40 और 50 में अंतर कितने का है 10 का है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा पचास और साठ को जब जोड़ोगे तो ये आएगा एक डिग्री कितना आएगा एक डिग्री ये भी हो गया कैंसिल सौ और नब्बे को जोड़ोगे तो ये आ गया एक सौ नब्बे डिग्री ये भी हो गया कैंसिल तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बी इसका करने का तरीका क्या है देखिए ध्यान से इसको कैसे करेंगे आप देखिए तो यहां पे देख मेरे भाई पहला कोण हो गया एक्स पहला कोण हो गया एक्स डिग्री तो दूसरा जो होगा इससे दस ज्यादा होगा क्या होगा दस ज्यादा होगा तो दूसरा क्या होगा एक्स प्लस टेन डिग्री एक्स प्लस टेन डिग्री बोलो होगा कि नहीं होगा इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए नब्बे डिग्री आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए अब एक कंप्लीमेंट्री है तो नब्बे आएगा कि नहीं आएगा अगर सप्लीमेंट्री होगा तो कितना आता एक सौ अस्सी तो यहां पे देख मेरे भाई ये एक्स डिग्री ठीक है प्लस एक्स प्लस टेन तो ये हो गया आपका एक्स डिग्री प्लस टेन ठीक है इक्वल्स टू नाइनटी डिग्री यहां पर यह आ गया टू एक्स ठीक है इस दस को जब राइट साइड में भेजोगे तो ये माइनस हो जाएगा 80, कितना आ गया अस्सी तो एक्स डिग्री का मान बोलो कितना आ गया फोर्टी डिग्री कितना आ गया चालीस डिग्री तो एक आ गया चालीस एक आ गया चालीस तो दूसरा इसमें दस जोड़ दो तो चालीस और दस कितना होता है पचास दो कोण है चालीस डिग्री के और दूसरा कौन सा है पचास डिग्री और ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब यही होता है कि दो कोण ऐसे हो जिनको जोड़ने पे नब्बे डिग्री आए वो एक दूसरे के पूरक होते हैं क्या होते हैं पूरक जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो जैसे हमने मान लो एक दस डिग्री ले लिया और इसका पूरक कोण क्या होगा तो अस्सी डिग्री होगा क्या होगा अस्सी डिग्री जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा डिग्री यानी जो जो है वो का पूरक है 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 वो वो का का पूरक पूरक कोण कोण क्या आपसे पूछे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ टेन डिग्री तो आप क्या बताएंगे एट्टी डिग्री दस डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा तो अस्सी डिग्री बीस डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल बोलो क्या होगा बीस डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बीस का पूरक कोण क्या होगा हा? सत्तर डिग्री कितना आ जाएगा सत्तर डिग्री सेवेंटी तो ये आ गया दोनों को जोड़ने पे नब्बे कितना आ गया नब्बे बोलो पैंतालीस का कोण का पूरक कोण कितना होगा फोर्टी फाइव डिग्री इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है नब्बे तो पैंतालीस ऐसा पूरक कोण है जो दोनों तरफ सेम है समझ रहे हो अब बताओ दो ऐसे पूरक कोण बताओ जो एक दूसरे से दोगने हो डबल हो तो वो हो जाएगा थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री तीस का पूरक कोण बोलो क्या हो जाएगा साठ डिग्री और देखो एक दूसरे से डबल है कि नहीं है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये कंप्लीमेंट्री एंगल है पूरक कोण उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल होता है क्या होता है सम पूरक कोण क्या होता है सम पूरक कोण आधा म लगता है सम पूरक कोण जिसको बोलते हैं सम पूरक कोण इसमें क्या खेल होता है 180 डिग्री का होता है कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री जैसे मान लो कि 60 का संपूरक आपसे पूछ दिया सप्लीमेंट्री एंगल पूछ दिया तो ऐसा कोण बताओ जोड़ने पे 180 डिग्री आए तो यहाँ पे 120 डिग्री होगा क्या होगा 120 डिग्री तभी तो जोड़ोगे तो एक आएगा ठीक है उसी तरह आपसे पूछ दिया कि भाई सौ डिग्री का कोण बोलो तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा बोलो अस्सी डिग्री आएगा कितना डिग्री आएगा अस्सी डिग्री तभी तो इन दोनों को जोड़ने पर एक सौ अस्सी आएगा तो ये इसका संपूरक है ये इसका संपूरक है बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ यानी हाउ मेनी फेस आर देयर इन ए एक घनाभ में कितने फलक होते हैं कितने फलक यानी फेस यानी सतह ठीक है तो क्यूबाइड वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो ठीक है घनाभ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो अलग अलग ठीक है तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने फेस होते हैं कितने सतह होते हैं तो इसमें टोटल मेरे भाई छह सतह होते हैं कितने सतह होते हैं सिक्स फेस एक तो इसमें चार दिवाले होंगी एक ऊपर का होगा और एक नीचे का होगा सतह अगर यही आपसे पूछता कि इसके कितने किनारे होंगे तो किनारे मेरे भाई देखो ये पहला किनारा हो गया ये दूसरा किनारा हो गया ये तीसरा किनारा हो गया ये चौथा उसी तरह ये पांचवा छठवा सातवा और ये आठवा और नीचे चार नौ दस ग्यारह बारह इसके टोटल साइड जो होते हैं वो बारह होते हैं कितने होते हैं बारह और फेस कितने होते हैं कितने दीवाले होती हैं कितने सतह होते हैं तो वो होते हैं सिक्स तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया कह रहा है कि एक मिलियन की अनुवर्ती संख्या क्या होती है यानी मिलियन का अगला नंबर क्या होता है एक मिलियन बराबर होता है दस लाख एक मिलियन बराबर क्या होता है दस लाख एक मिलियन बराबर क्या होता है दस लाख जब दस लाख हो जाए तो फिर बोलेंगे एक मिलियन दस लाख ठीक है अब देख मेरे भाई दस लाख को जब आप लिखेंगे तो एक के आगे कितना जीरो लगेगा छ ठीक है तो एक दो तीन चार पांच छह ये हो गया दस लाख अब इसका कह रहा है आपसे कि अनुवर्ती संख्या अनुवर्ती का मतलब होता है अगली संख्या अगली संख्या के लिए आपको एक जोड़ना पड़ेगा एक क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा तो ये आ गया दस लाख एक क्या आ गया दस लाख एक कितना आ गया दस लाख एक तो इसका सही आंसर मेरे भाई होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए